तो गाइस हमारे पास आ चुका है ओप्पो का A37, जिसमें एक स्क्रीन लॉक जो है ये पासवर्ड लगा हुआ है और ये अनलॉक नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, ये अनलॉक नहीं हो रहा है। तो आप लोग कैसे अनलॉक कर सकते हैं, वही मैं फॉरगेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ईमेल मांग रहा है, जो कि मेरे पास ईमेल भी नहीं है इसका और पासवर्ड भी नहीं है। तो मैं कैसे इसे मतलब कि रीस्टार्ट करूँगा और पासवर्ड कैसे फॉरगेट करूँगा और इसमें क्या क्या प्रोसेस है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं 3 स्टेप बताऊंगा, फर्स्ट से नहीं होगा, सेकंड से होगा। तो सबसे पहले हमको कर लेना है पावर ऑफ इसे। तो ध्यान से सुनिए, 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो तीसरा वाला स्टेप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका फ़ोन अनलॉक होगा। तो ये पावर ऑफ हो चुका है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं अब दिखा दूँ वॉल्यूम डाउन बटन, आपको प्लस वाला नहीं माइनस वाला, वॉल्यूम माइनस, यहाँ पर पावर बटन आपको प्रेस करना है। चलिए प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद जब भी आपका फ़ोन ऑन हो जाए तो आपको पावर बटन से हटा देना है, केवल माइनस वाला पकड़ना है, वॉल्यूम वाला ध्यान रहे आपको। तो माइनस वाला पकड़ना है तब तक जब तक कि प्रोसेस ना दिखा दे वाइप डाटा का। तो यहाँ पर आ चुका है, तो चलिए मैं कैमरा को फोकस कर लेता हूँ क्योंकि शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लैंग्वेजेस कुछ आ चुके हैं, तो हमको क्या करना है, इंग्लिश हमको सिलेक्ट करना है। तो इंग्लिश हम सिलेक्ट कर चुके हैं, इंग्लिश सिलेक्ट करने में यहाँ पर वाइप डाटा का ऑप्शन है जिसे हम वाइप कर देंगे। चलिए हम प्लीज वेटिंग दे रहा है, वेट करते हैं। तो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है हो चुका है, यहाँ पर रिबूट का ऑप्शन है, रिबूट पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारा फ़ोन जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये रीस्टार्ट होता है, तब तक आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नीचे प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे इस वीडियो का रीच जो है बढ़ जाए। चलिए मैं वीडियो को स्किप कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, तब तक मॉडल वगैरह आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है A37 का। आप किसी भी फ़ोन में ऐसे अनलॉक कर सकते हैं पासवर्ड, ओप्पो का कोई भी फ़ोन हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं अनलॉक करता हूँ इसे, तो देख सकते हैं अभी भी ये फॉरगेट नहीं हुआ है। फॉरगेट नहीं हुआ तो फिर मैं आप लोग को दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ क्या करना है। आपको इमरजेंसी का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डायल करना है यहाँ पे *#899#। तो अगर आप में ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको कॉल पर क्लिक करना है, एक बार दो तीन बार आपको करना है, फिर बैक कर लेना। मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है। *#789# डालना है, फिर से ऑप्शन नहीं आया, फिर से आपको एक बार कॉल पे करना है, फिर से एक बार, फिर दो तीन बार, 7 बार आपको करना है। चलिए मैं आप लोग को एक और ट्रिक बताता हूँ जिससे आपका फ़ोन जो है पक्का अनलॉक हो जाएगा। तो भाई मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ कि इन सब वीडियोज़ के चक्कर में आप ना पड़ें, ये सब फेक वीडियोज़ बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बनाए गए हैं। ऐसे तो आपका फ़ोन जो है अनलॉक नहीं होने वाला है बिना पीसी के, बिना पीसी के आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हो सकता है। तो चलिए मैं, मेरा ही फ़ोन है जो भी मेरा, मैं अपना खुद का फ़ोन नहीं अनलॉक कर सकता हूँ, तो आपका कैसे करा सकूँ। मैं एक आपको जेन्युइन वीडियो बनाया हूँ ताकि इन सब वीडियोज़ के चक्कर में आप लोग ना पड़े। देख सकते हैं फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ। चलिए मैं आप दुकान पर ले जाके इसे अनलॉक करवा के लेके आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गैस मैंने जो है दुकान पे ले गया और फ़ोन देखो मेरा अनलॉक हो चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो गैस फ़ोन अनलॉक हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। फाइनली मैं 100 रुपया लगा है, अनलॉक हुआ है। तो फुल वीडियो पसंद लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।